जो दुकान होते हैं ना उसमें सब्जी वब्जी सब रखते हैं यार। राशन का सामान हो गया, और देखो राशन वासन का सामान सब। और इधर का किचन देख रहे हो, बड़ा मस्त किचन है भाई। और चाय भी पिलाए और सर ने हमें हेल्प भी किया फाइनल से। अचार है, पूरा अचार है, अचार अचार अचार। तो हेलो जी, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, मैं योगेश ऑल इंडिया साइकिल राइडर आइस। आप सभी को स्वागत है हमारा आज के एक और न्यू वीडियो में। और हम लोग पेट्रोल पंप में रुके थे, वहाँ से आ गए हैं, और इधर नीचे में है ढलान, और यहाँ से जा रहे हैं हम गुवाहाटी। गुवाहाटी की दूरी है यहाँ से 120 किलोमीटर। हम लोग शिलोंग नहीं जा रहे हैं, शिलोंग से आ गए हैं। शिलोंग है यहाँ से 45 किलोमीटर दूर होगा, और यहाँ से हम जाएंगे अब गुवाहाटी। तो इस वाला रोड है, यहाँ से हमें गुवाहाटी वाला जो रोड मिलेगा वो 15-20 किलोमीटर दूर में मिल जाएगा, हाईवे सीधा जाएगा वो। तो ये रोड तो बड़ा मस्त रोड है, देख रहे हैं ना, बड़ा मक्खन वाला रोड है। तो चलते हैं, ये अपना हम सफ़र ठीक है, बढ़िया। और इधर पे अजीत है, उसका साइकिल भी अभी ठीक है, बढ़िया, और ठीक ठाक है भाई। और पानी का बहुत दिक्कत है यार। और यहाँ एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ जैसे ठंड भी लगती है ना, वैसे गर्मी भी लगती है। सुबह सुबह देखो एकदम ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ का, बढ़िया है। और पानी रख लिए हैं हम लोग, पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, ठंडी के दिन है तब से भी हम 4 से 5 लीटर पीते हैं। पीना ज़रूरी है, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। कल हो गया था मेरे को डिहाइड्रेशन, इतना पानी पीने के बाद भी, गर्मी बहुत था। तो निकलते हैं हम, और इस हाईवे में बहुत हमें सेफ राइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गाड़ी चलता है। देखो जे के का गाड़ी आ रहा है भाई। बाकी जी, हम लोग आ गए अभी एक दुकान में चाय पीने के लिए, और यहाँ हम लोग ना बचपन का यादा ताज़ा कर रहे हैं। धोता बोलते हैं इसे। हमारे दादी लड्डू बहुत खाते थे बचपन में, अभी भी खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिन बाद खा रहा हूँ। अभी चाय पीने आए हैं, और देखते हैं कुछ खाना होगा तो खाएंगे और जाएंगे। यहाँ पे अपना हम सफ़र है, और सामने यहाँ पे गाड़ी वाड़ी बहुत ज़्यादा खड़ता है, क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉपेज है ना, दुकान उकान है नाश्ता वास्ता करने के लिए। और रोड बड़ा मक्खन है भाई, आज मज़ा आ रहा है रोड में। चाय वाय तो पीना हो गया, और इधर पे ना जो दुकान होता है ना उसमें सब्जी वब्जी सब रखते हैं यार। राशन का सामान हो गया, और देखो राशन वासन का सामान सब। और इधर का किचन देख रहे हो, बड़ा मस्त किचन है भाई। नीचे बनाए रखते हैं, ऊपर में सुखा भी सकते हैं, ऐसा किचन रहता है, बड़ा मस्त, देख रहे हो। आगे गए, इस आगे में एक टोल गेट है, ये टोल गेट नेशनल हाईवे टोल गेट मेघालय है। ये मतलब इधर पहाड़ एरिया में ना, इधर पे आया हूँ इस एरिया में, तो ये मेरा दूसरा टोल गेट है, इससे पहले तो मिला ही नहीं था उतना ज्यादा। और ये है टोल गेट, ओहो हो, और ढलान में टोल गेट है, बढ़िया मस्त। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ा है, देख रहे हो ना, अभी ये इस वजह से खड़ा है, यहाँ का सिस्टम क्या है पता नहीं। यहाँ पे ना जगह जगह पे जो यहाँ के लोग हैं, नौकर लोग हैं ना, मतलब अब पता नहीं वो सरकार के आदमी है किसका आदमी है पता नहीं, वो लोग क्या करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, 50 रुपया 60 रुपया ऐसा करके। अब मेरे को ये पता नहीं वो किस वजह से लेते हैं, तो पता है समझ नहीं आ रहा है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है। टोल गेट में तो टोल गेट है तो टोल गेट में देना चाहिए ना, टैक्स कटता हो टोल गेट में, लेकिन जगह जगह पे रोक के देना ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को। देख रहा हूँ इतना सारा रोड जाम, रोड चक्का जाम है, ट्रक वाले गाड़ी वाले आते जा रहे हैं, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे समतल एरिया है, और यहाँ भी धान की खेती करते हैं यार मेघालय में, देखे देख रहे इधर पे खेत है, धान की खेती किए थे, और देखो बीच बीच में पैरा रखा हुआ है, बढ़िया। और ये चारों ओर पहाड़ के बीच में प्यारा सा खेती है, देख रहे हो खेत वेत है, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, और ये बीच बीच में कहीं कहीं घर है पहाड़ के ऊपर मन में साइड साइड में, ये देखो। और इधर भी बिजली हर तरफ गया है भाई, पहाड़ी एरिया में ना बिजली की मतलब ऐसा नहीं, बिजली जाता है, और नेटवर्क ठीक है यहाँ पे, नेटवर्क हर जगह पे इधर पे गड़ा हुआ है।
आफ्टरनून आप सभी जानने पे। इस वक्त बज गए हैं 12 बजने वाले हैं और हमें मिले एक सर। सर आप कहाँ से हो? मैं शिलोंग से। शिलोंग से हो? सर शिलोंग से हैं और बीच में ही मिले और हमें चाय के लिए इनवाइट किया और चाय भी पिलाए और सर ने हमें हेल्प भी किया फाइनल से, उसके लिए तो थैंक यू सो मच सर। बीच में रिसेंटली हमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो पूछते हैं, और सर का भी प्रोफेशन था कि सर भी साइकिलिंग करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो देख के सर बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेटेड। जी जी बाकी करना चाहिए सब जने को एक बार साइकिलिंग। सर कुछ बोलिए, आप ही बोलिए। क्या बोलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। जी जी, एक्चुअली आप लोग ये पैशन फॉलो कर रहे हैं उसके लिए मतलब सपोर्ट है मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच सर। बाकी सबको करना चाहिए, पैशन फॉलो करना चाहिए सब इंसान लोग को। जी 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 बिल्कुल सही बात है। बाकी गाइस वो सर है उसके साथ बैठे थे हम लोग और अभी निकल गए हैं फिर, और सर आगे आगे जा रहे हैं कार में, वो अभी फिर बोल रहे हैं कि खाना खा के जाओ। यार उन्होंने पैसे भी दिए 1000 रुपये, मतलब दोनों जने को दिए 1000 रुपये, 2000 रुपये दिए हमें, और अभी खाना भी खाने के लिए इनवाइट किया, चाय भी पिलाए, फिर बोल रहे अभी खाना खा के जाओ यार। और आसाम के है वो सर, बहुत अच्छा लगा भाई, ऐसे लोग बहुत लोग मिलते हैं हेल्प करते हैं, अच्छा लगता है। और अभी जा रहे हैं हम एक रेस्टोरेंट में, ढाबा में खाना खाने के लिए, वहाँ खाना खाने के बाद निकलेंगे। ये फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ मेघालय में खाना में। अच्छा अच्छा खाई, ठीक ठीक। हाँ देखिए खाना यहाँ पे पूरा उबला उबला वाला खाना है, और देख रहे हैं यहाँ पे पूरे यहाँ के लोकल लोग हैं मिजोरम के, खा रहे हैं हम लोग, सॉरी मेघालय के, वहीं के मेघालय के लोकल दुकान में आए हम लोग खाने के लिए। दाल चावल इधर से आ गए हैं और नीचे पे भैया खड़े हैं उधर पे, हमें टाटा कर रहे हैं, जा रहे हैं भैया अभी खाना वाना खिलाया यार मस्त। और ये है उमनम लेक, ये छोटा सा लेक है, और इधर से जाना है हमें गुवाहाटी, और ये जाएगा शिलोंग, यहाँ से शिलोंग है समथिंग 25 किलोमीटर, और यहाँ से गुवाहाटी है हमें 78 किलोमीटर यहाँ से गुवाहाटी। तो चलते हैं, और हम लोग यहाँ खाना खा रहे थे ना भाई, वहाँ देखे थोड़ा थोड़ा खाना दे रहे थे, लेकिन बढ़िया खाना है, और फर्स्ट टाइम मैं मेघालय का खाना ट्राई किया हूँ, अच्छा था। और वहाँ ऐसा है एक बार फर्स्ट में कम देंगे, उसके बाद ना सेकंड बार फिर देंगे मस्त। और यहाँ एक चीज़ है, यहाँ गंदगी बहुत करके रखे हैं, देख रहे हैं। तो बाकी गाइस नीचे है ढलान एकदम से ऐसा वाला, तो अब नीचे उतरते हैं, बढ़िया कितना दूर तक उतरेगा पता नहीं, और देख रहे हो पहाड़ पहाड़ के ही नीचे ऐसा रोड बना हुआ है, तो मज़ा आएगा नीचे उतरने में, कब कितना दूर ढलान है वो देखना पड़ेगा। तो चलते हैं अब तो नीचे ढलान में, तो देखो ट्रक से भी आगे निकल जाता है यार, देख रहे हो ना भाई, ट्रेन बन जाता है ट्रेन। लेकिन ऐसे ढलान में ब्रेक तगड़ा होना चाहिए, वरना फिर जय हो ऐसा हो जाएगा, फिर खतरनाक। तो उतरते हैं भाई फिर से, अब आगे से हमें ढलान से अब फिर चढ़ाई मिल गया है यार, रोड ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखो बादल छा गया भाई। मेघालय में एक चीज़ है, कभी भी बारिश हो सकती है, बादल आ गया। इधर पे जो दुकान देख रहे हो ना, यहाँ पे यहाँ की जो दुकान है ना, ज़्यादातर महिलाएं बिजनेस करती है भाई, यहाँ जो सड़क किनारे या कोई भी दुकान में देख रहा हूँ ना, महिला लोग ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं, बैठते हैं महिला ही लोग। आगे हो सके तो और दिखाऊंगा मैं, देखना बाकी सारे दुकान में ना वही लोग बैठे होंगे। चढ़ते चढ़ते आ रहे हैं, अभी हमें फिर नीचे उतरना है, और हमें आज मिल गया फिर से पाइन एप्पल, तो हमें 50 का 2 मिला है, ये 30 का 3 है। और उससे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ चटनी क्या क्या है, चटनी ये मछली का चटनी, और इधर पे है छोटा मछली की चटनी, अचार का, मिर्ची का चटनी, बहुत सारा मछली का चटनी है भाई, और यहाँ पे यहाँ का एक करील का चटनी, पूरा चटनी ही चटनी है, और एक किस चीज़ का चटनी है यार पता नहीं, एक से एक चटनी रखे हुए हैं, देख रहे हैं छोटा छोटा डब्बा में, देखो चटनी है चटनी भाई, ओहो वैरायटी चटनी का, पूरा यहाँ चटनी का दुकान है। ये देखो एक करील है, करील वाला चटनी भी, और ये छोटा मछली है देखो, छोटा मछली का, मछली का भी चटनी बनाते हैं रे बाबा,
अचार, सॉरी गाइस अचार, चटनी बोल रहे थे हम, अचार है, पूरा अचार है, अचार 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 देख रहे हैं। और पाइनएप्पल खाते हैं, हमारा पाइनएप्पल वो काट रहा है अभी, वो कटेगा फिर खाएंगे फिर। गुड इवनिंग आप सभी जने को, 4 बजे और पाइनएप्पल खा के निकल गए। इधर देख रहे हैं, इधर जितना भी दुकान है ना उसमें महिला ही काम कर रही, बोला ना देखो जितना दुकान है ना इसमें छोटे छोटे सब महिला बैठे हैं, ठीक है महिला बिजनेस संभालती हैं। इधर पे 4 बज गए ना, 4:30 तक अंधेरा हो जाएगा क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है यार। अरे बाकी जी गुड इवनिंग आप सभी जने को, इस वक्त टाइम हो गया है 6:35 और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा अंधेरा हो गया इधर पे, ये देखो। और आज हम रुके हैं नोंगपा करके एक जगह है, यहाँ से नोंगपा की दूरी है समथिंग 3 किलोमीटर सिटी है। और यहाँ पे लगाए हैं हम लोग टेंट, मेरा टेंट है उधर, अजीत का टेंट है, और साइकिल को लॉक कर दिए हैं हम लोग बढ़िया से मस्त, देख रहे हैं उधर। उसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ ए पेट्रोल पंप है ना, ये है HP का पेट्रोल पंप, और सामने में ही हाईवे है। और आज तो गुवाहाटी नहीं पहुँच पाए लेकिन हम कल पहुँच जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी की दूरी है 50 किलोमीटर। तो आज और यहाँ रात बिताते हैं, उसके बाद मेघालय में आज हमारा ये लास्ट नाइट है, तो कल पहुँच जाएंगे फिर से असम हम। तो बाकी इस वाला वीडियो है ना इसको हम एंड करते हैं, आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, खुश रहना, मस्त रहना, ऊपर पे स्वस्थ रहना गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।